तो दोस्तों एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के माध्यम से दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाते हुए ये बात पूरे बॉलीवुड को बता दी है कि भाई एक खिलाड़ी पूरे बॉलीवुड पर भारी। तो भाई क्या ही ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया सूर्यवंशी से। तो दोस्तों सूर्यवंशी को लेकर ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं यानी कि भैया कल से इस फिल्म का दूसरा हफ्ता भी शुरू हो गया है। और भाई दूसरे हफ्ते की शुरुआत जिस तरीके से खिलाड़ी कुमार ने की है उसको देखने के बाद अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म दूसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि भैया जब ये फिल्म सिनेमाघर में आई थी तो भैया इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 77 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था बॉक्स ऑफिस पर। और उसके बाद जब इस फिल्म का वर्किंग वाला डे चालू हुआ तो भैया इस फिल्म ने मंडे को 14 करोड़ 51 लाख रुपए का बिजनेस किया। उसके बाद में भैया इस फिल्म ने ट्यूजडे को 11 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजनेस किया। उसके बाद वेडनेसडे को इस फिल्म ने 9 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजनेस किया। और उसके बाद थर्सडे को इस फिल्म ने 8 करोड़ 30 लाख रुपए का बिजनेस किया। यानी कि भैया पहले हफ्ते में ही ये फिल्म 120 करोड़ 66 लाख रुपए बिजनेस इंडिया से कर चुकी थी। और भाई कल जब इस फिल्म का दूसरा वीकेंड चालू हुआ यानी कि भैया दूसरा फ्राइडे इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर आया तो भैया वो भी अच्छा गया है मेरे भाई। यानी कि भैया दूसरे हफ्ते के पहले दिन में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 7 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। यानी कि ये फिल्म अब 8 दिनों में ही 127 करोड़ 91 लाख रुपए का बिजनेस केवल इंडिया से कर चुकी है। यानी कि बहुत जल्दी ही ये फिल्म इंडिया से 150 करोड़ का इनकम करने वाली है इसी वीकेंड में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये फिल्म इसी वीकेंड में कितना का कलेक्शन कर सकती है। क्या वो आंकड़ा 70 करोड़ का होगा या फिर 50 करोड़ का या फिर 60 करोड़ का, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।